स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे का उद्घोष कर गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत की चेतना को जिस शख्स ने झकझोर कर रख दिया, उनका नाम था बलवंत राव, जो आगे चलकर बने बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। समाज सुधारक, दार्शनिक और पत्रकार के तौर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन में उन्होंने कई ऐसे साहसिक फैसले लिए जिसके कारण उन्हें गरम दल का नेता कहा जाने लगा। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। बाल गंगाधर तिलक बचपन से ही बेहद बुद्धिमान थे। साल 1897 में पहली बार तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मुकदमे और सजा के चलते उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों लोगों के लिए आदर्श लोकमान्य तिलक एक उदारवादी हिंदुत्व के पैरोकार थे। इसके साथ ही वो कट्टरपंथी माने जाने वाले लोगों के भी आदर्श थे। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि गांधी जी के कांग्रेस और भारत में उदय से पहले तिलक ही सबसे बड़े नेता थे। कांग्रेस ने 1929 से 30 के अधिवेशन में पहली बार आधिकारिक रूप से आजादी की मांग की थी और अप्रत्यक्ष रूप से आजादी मांगने वाले तिलक सबसे पहले नेता थे। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनके आंदोलन की गूंज लगातार भारत में भी चर्चा का विषय बन रही थी। गांधी जी भी कांग्रेस के बारे में जानकारी लेते रहते थे। अक्सर भारत आते तो कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं से मिल सके। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लोकमान्य तिलक को महासागर कहा था, क्योंकि गांधी जी के लिए उनके मन की था जानना काफी मुश्किल था। महात्मा गांधी ने तिलक के विचारों और उनके संघर्ष के तरीकों से बहुत कुछ सीखा। तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन गांधी जी के लिए एक मार्गदर्शन बने। तिलक के जीवन और कार्यों ने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह के अपने सिद्धांतों को स्थापित करने में मदद की। तिलक ने भारतीय समाज को एकजुट करने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की जिससे लोगों में एकता और देशभक्ति की भावना जागृत हो। तिलक के इन प्रयासों ने गांधी जी को भी प्रेरित किया और उन्होंने अपने आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को शामिल किया। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी और मराठा के माध्यम से जनता को जागरूक किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने भी हरिजन और यंग इंडिया जैसे पत्रों के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। तिलक के स्वदेशी आंदोलन ने भी गांधी जी को बहुत प्रभावित किया था। तिलक ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने का आह्वान किया था। गांधी जी ने तिलक की इस विचारधारा को अपनाया और अपने चरखे के माध्यम से स्वदेशी वस्त्रों का उत्पादन शुरू किया। उन्होंने देश भर में खादी पहनने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का प्रचार किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली। तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशक्त संघर्ष किया और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनके साहस और संघर्ष की भावना ने गांधी जी को भी प्रेरित किया। गांधी जी ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने आंदोलनों को चलाया और कई बार जेल गए। तिलक के इस संघर्ष ने गांधी जी को ये सिखाया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते समय किसी भी कठिनाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। तिलक की विचारधारा और उनके संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्होंने लोगों में स्वराज और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों ने महात्मा गांधी को अपने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को लागू करने में मदद की। तिलक के जीवन और उनके संघर्ष ने गांधी जी को ये सिखाया कि स्वराज की प्राप्ति के लिए एकजुटता, साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी ने तिलक को एक महान नेता, मार्गदर्शक माना। तिलक के सिद्धांतों और उनके संघर्ष ने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। तिलक के विचारों ने गांधी जी को ये सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों की भी आवश्यकता होती है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी को अगर किसी ने असल में प्रेरित किया है तो उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक।